चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस असाइनमेंट, डीएलडी असाइनमेंट। और असाइनमेंट जो है बेसिकली वो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसको बनाना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको जो है समझे थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क है ये। फिलहाल आप लोग को पेपर वर्क करना है, इसका सारा पेपर कैलकुलेशन वगैरह सारी चीजें करनी। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मिस। यस मिस। गुड। अच्छा, 7 सेगमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे हमारे पास LCD, LED, हमें पता है ये डिस्प्लेज होते हैं, ठीक है। LED जलती है, हम समझ जाते हैं कि हाई सिग्नल है, ऑफ है, इसका मतलब है कि लो सिग्नल है, वो सारी चीजें। तो 7 सेगमेंट भी एक टाइप ऑफ डिस्प्ले है, उसमें आप अपने आउटपुट या रिजल्ट देख सकते हैं। इसका जो डिस्प्ले होता है, जो उसका इंटरैक्टिव स्क्रीन होती है, वो इस तरीके की होती है, जो आप हमेशा वो देखते आ रहे हैं डिजिटल क्लॉक्स में। आपके पास इस टाइप के नंबर्स प्रिंट हो नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन पर, डिस्प्ले पे नंबर्स जो है वो इस तरह सेगमेंट्स की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली 7 सेगमेंट डिस्प्ले कहलाता है। यानी इस वक्त मेरे पास इस जो 9 और 00 दिखता है, इस वक्त इसमें 3 7 सेगमेंट्स लगे हुए हैं। एक 9 को डिस्प्ले कर रहे हैं, एक 7 सेगमेंट 0 डिस्प्ले कर रहे हैं, और तीसरा 7 सेगमेंट भी 0 डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 7 सेगमेंट्स लगे हुए हैं। एक 7 सेगमेंट कोई एक नंबर को या एक करेक्टर को डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो घड़ी नजर आ रही है, इसमें एक 7 सेगमेंट आर को डिस्प्ले कर रहा है, और दो 7 सेगमेंट्स मिलके जो है वो मिनट्स बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली काम ये करना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस 7 सेगमेंट की इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब 9 नंबर किस तरीके से इस पे डिस्प्ले हो, 9 नंबर क्या तरीका है, क्या मेथड है कि स्क्रीन पे वही 7 सेगमेंट पे 9 डिस्प्ले हो, थोड़ी देर बाद उसी सेगमेंट पे 0 डिस्प्ले हो रहा है, उसी सेगमेंट पे 1 डिस्प्ले हो रहा है, 2, 3, 4, यानी कि किस तरीके से इसके कॉम्बिनेशन सेट किए गए हैं कि ये 9 डिस्प्ले कर दे, या क्या कॉम्बिनेशन होगा कि ये 1 डिस्प्ले कर दे, या क्या कॉम्बिनेशन होगा कि ये कोई और नंबर डिस्प्ले कर दे। तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम चूंकि डिजिटल डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले कहलाता है, तो हमारा काम ये है कि इस डिस्प्ले को किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, या इसको किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। तो हम इस पर जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो हम बेसिकली आज ये सीखेंगे कि 7 सेगमेंट में कोई भी नंबर किस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो 7 सेगमेंट का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब 7 सेगमेंट को 7 सेगमेंट कहते क्यों है? बेसिकली इसको इसलिए बोला जाता है कि इसका जो भी डिस्प्ले होता है, उस डिस्प्ले में 7 सेगमेंट्स बना दिए गए। सेगमेंट को समझे ट्यूबलाइट समझ ले, ठीक है। तो जो नंबर आपको डिस्प्ले करना है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट को आपको हाई करना होगा, बाकी जिनको सेगमेंट्स को आपको डिस्प्ले नहीं करना, उसको आप लो कर देंगे, तो अल्टीमेटली हाई और लो के कॉम्बिनेशन से कोई नंबर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे 0 प्रिंट करना है, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो सेगमेंट है उसमें 0 प्रिंट हो। तो 0 प्रिंट करने के लिए, 0 प्रिंट करने के लिए अब जो 7 सेगमेंट्स हैं इसमें मुझे ए सेगमेंट को हाई करना है। माउस देखते जाइएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, अगर मैं ये 6 सेगमेंट्स को हाई कर दूं और जी सेगमेंट को लो कर दूं, ऑफ कर दूं, तो मेरे स्क्रीन पे 0 मुझे नजर आ रहा होगा सेगमेंट पे, डिस्प्ले पे। इसी तरीके से अगर मुझे 1 डिस्प्ले करना है, तो 1 का मतलब क्या है, बी और सी को मैं हाई कर दूं और बाकी इन 5 सेगमेंट्स को मैं ऑफ कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास स्क्रीन पे सिर्फ बी और सी की वजह से 1 नजर आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मुझे 2 ऑन करना है, मैं चाह रही हूँ कि मेरे डिस्प्ले पे 2 नजर आए, तो 2 का मतलब क्या है, ए बी जी ई डी, ये 2 बन गया, ए बी जी ई डी। तो 2 के लिए मुझे ये 5 सेगमेंट्स को ऑन करना होगा, सी और एफ को ऑफ करना होगा। अगर मैं इसको ऑफ नहीं करूंगी तो 2 नहीं बनेगा, कुछ और नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से मुझे कोई बताए कि मुझे 7 प्रिंट करवाना है इसकी डिस्प्ले पे, तो कौन कौन से सेगमेंट्स को हाई करना होगा 7 के लिए? ए बी सी, A, B, C. तो बाकी को हम ऑफ कर देंगे। वेरी गुड। तो हमने बेसिकली ये चीज सीखी कि 7 सेगमेंट बेसिकली 7 डिफरेंट सेगमेंट्स, चूंकि इसमें 7 डिफरेंट सेगमेंट्स
को कॉम्बिनेशंस को या इनके सेगमेंट्स को हाई लो करके आप नंबर को स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। ये काम आप अल्फाबेट्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पी प्रिंट करवाना है तो पी के लिए मैं ये वाले जो लास्ट के दो सेगमेंट है सी और डी इसको ऑफ कर दूंगी, तो ई एफ ए बी पी ए बी जी ये जब हाई होंगे तो पी मुझे सेगमेंट पे नजर आ रहा होगा, डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। तो ये बात हमें समझ आ गई कि एक नंबर के लिए एक डिस्प्ले है, ठीक है, एक डिस्प्ले एक ही डिजिट को कर सकते हैं। मैं इस पर डिजिट भी कर सकती हूँ, मैं इस पर अल्फाबेट्स को भी डिस्प्ले करवा सकती हूँ। अल्फाबेट्स भी कुछ खास अल्फाबेट्स, सारे नहीं, ठीक है, जेड वेड इस टाइप के अल्फाबेट्स चूंकि इसमें डायगोनल्स आ रहे होते हैं तो वो अलाउ नहीं हो सकता। बहरहाल हमारा जो काम है हम डिजिटल डिस्प्ले कर रहे हैं, हम जीरो से लेकर नाइन तक को टारगेट बना रहे हैं, अल्फाबेट्स पर भी हम नहीं जा रहे। तो मुझे ये बात समझ आ गई कि मैं अपने डिस्प्ले पे जो भी नंबर मुझे डिस्प्ले करवाना होगा उस नंबर को मुझे उसके सेगमेंट्स को हाई करना होगा। सेवन सेगमेंट इसलिए कह रहे होते हैं कि सेवन सेगमेंट मिलके ये काम कर रहे हैं और जीरो से लेकर नाइन तक का डिस्प्ले बना रहे हैं। तो अब जैसे ये बोल रहे हैं कि लिस्ट द सेगमेंट्स यूज टू फॉर्म द लेटर ए, अगर ए को करना है तो कौन कौन से सेगमेंट हो जाएंगे? बस मैम डी को हाई नहीं करेंगे, ए बी सी, गुड, डी के अलावा सब हाई। Is there any one segment that is common to all digits? तमाम digits के लिए कोई एक ऐसा segment जो सबके लिए high हो रहा हो, सबके लिए common हो? For example, A segment. तो A आप देखें, one के लिए off है, four के लिए off है, तो A option नहीं हुआ। B segment check करते हैं, तो B segment जो है वो five में नजर नहीं आ रहा, six में नजर नहीं आ रहा, तो B भी common नहीं हुआ। C check करते हैं, तो सी जो है वो टू में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह डी बताइए, डी वन में नजर नहीं आ रहा, ई जो है वो फोर में नहीं है, एफ जो है वो टू में नहीं है, जी जो है वो जीरो में नहीं है, सेवन में नहीं है। तो अगर इसका आंसर मैं बोलूं कि कौन सा ऐसा सेगमेंट जो सबके लिए कॉमन है, तो इसका आंसर है नो, ठीक है, कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है जो सबके लिए कॉमन है। यही सवाल इसके लिए, इज देयर एनीवन सेगमेंट दैट इज कॉमन टू ऑल लेटर्स, इन तमाम लेटर्स के लिए कोई एक ऐसा सेगमेंट बताइए जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके लिए हाई होना चाहिए हर सूरत में। तो इसके लिए भी कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है। अगर मैं आई लू तो आई बी और सी का कॉम्बिनेशन है, तो बी और सी के कॉम्बिनेशन के लिए ये सब ऑफ है, इन सब में मुझे ई नजर आ रहे, ठीक है, मगर ई इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बी और सी के कॉम्बिनेशन से बनता है, स्ट्रेट लाइन वन का जो कॉम्बिनेशन है। तो बहरहाल तो हमें ये बात समझ आ गई कि हम जो है अपने सेगमेंट्स को ऑन कराने के लिए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को ऑन कर देंगे और तमाम सेगमेंट के लिए कोई एक कोई भी कॉमन नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये काम करेंगे कैसे, ठीक है, ये काम करने के लिए क्लास ये पेज नंबर पीडीएफ का नोट कर ले, ठीक है, ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं फ्लाइट एडिशन 11, इसका पीडीएफ का जो पेज नंबर है 245 है। और जो चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया था बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, उसी चैप्टर के एंड के एक्सरसाइजेस से पहले जो है ये आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये पेज 245 से बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्लास सबसे पहले आपको इस काम के लिए ट्रुथ टेबल बनाना होगा। ट्रुथ टेबल के लिए ये वाला जो फिगर है 451 में पार्ट ए, इसमें आपके पास जो सेवन सेगमेंट डिकोडर यूज किया, हम डिकोडर यूज नहीं करेंगे। डिकोडर का काम ये है कि इसमें पूरा लॉजिक इंप्लीमेंट हो चुकी है, आपने इसको कॉम्बिनेशन दिया, उसने वो पर्टिकुलर सेवन सेगमेंट पर डिस्प्ले करके हाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉम्बिनेशन दिया 1101 1101, तो इस सेवन सेगमेंट ने स्क्रीन पे जब वो डी शो कर देगा, ठीक है, यहाँ पे डी जो है वो नजर आ रहा होगा। बहरहाल हम सेवन वो डिकोडर यूज नहीं करेंगे, हम जो है बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिया, लॉजिक गेट्स उसके थ्रू बनाएंगे और हमने के मैं पढ़ लिया उसके थ्रू सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा काम जो है वो ट्रुथ टेबल से स्टार्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करूंगी, व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगी और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये है क्लास हमारे पास ट्रुथ टेबल। फॉर एग्जाम्पल मुझे जीरो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, मेरे पास सेगमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी
अब जीरो के लिए यहाँ पे मैं जीरो बना देती हूँ, जीरो के लिए ए सेगमेंट को ऑन करना, ये स्टैंडर्ड है ठीक है, ये ए होता है, ये हमेशा बी होता है, पढ़ने का तरीका ये होता है ए बी सी डी ई एफ, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और बीच का सेगमेंट मैंने नहीं बनाया जो कि जी सेगमेंट है ठीक है। तो जीरो के लिए ए बी सी डी ई एफ को ऑन होना है, कौन कौन से सेगमेंट को ऑन होना है या स्क्रीन पे देखिए, ए बी सी डी ई एफ, जी को मैंने कर दिया जीरो ठीक है। अब अगर मुझे वन स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो वन का सेगमेंट ये वाला हो जाएगा, यानी कि सेगमेंट नंबर बी और सेगमेंट नंबर सी, तो सेगमेंट नंबर बी को हाई कर दिया, सी को हाई कर दिया, बाकी सबको लो कर दिया। आर यू गेटिंग मी क्लास? यस मिस। ठीक है, अब टू मुझे प्रिंट करवाना अपने सेगमेंट पे, तो टू का कॉम्बिनेशन ये होता है मिस, तो टू के लिए, हाँ बोले मिस, हम एफ ई को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं वन के लिए? आप एफ ई को भी बना सकती हैं ठीक है, आपकी लॉजिक उस हिसाब से बनेगी, मगर जो स्टैंडर्ड है हमारे पास स्क्रीन में देखें आप, कोई भी नंबर कैलकुलेटर में भी जो है जब आप आउटपुट देख रही होती हैं तो कोई नंबर फॉर एग्जांपल 7 1 3 आपके पास राइट हैंड साइड पे अलाइनमेंट हुई होती है ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो राइट हैंड साइड की अलाइनमेंट है, आप एफ और ई ले वो भी वन बन जाएगा, वो भी सही है, आपका डिस्प्ले जो है वो एफ और ई वाली जगह पे वन को डिस्प्ले कर रहा होगा, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमने की हुई होती है स्टैंडर्ड वो राइट हैंड साइड की हुई होती है ठीक है। तो बी सी लेटर्स पहले भी पहले फर्स्ट कम है, तो फर्स्ट कम के हिसाब से भी बी और सी के कॉम्बिनेशन हम कंसिडर कर लेते हैं और ई एफ को कंसिडर नहीं कर रहे होते ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट के हिसाब से ई और एफ आ जाएगा जी। इसमें इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने लेंगे हम? अभी इनपुट पे नहीं आ रही मैं, अभी समझे, अभी पहले ट्रुथ टेबल समझ लें ठीक है। तो टू के लिए मेरे पास ए सेगमेंट ऑन है, बी सेगमेंट ऑफ है, एम है, सी छोड़ के डी ऑन है, ई ऑन है, एफ छोड़ के जी ऑन है, तो मैंने टू के लिए क्या क्या ऑन कर दिया, ए बी डी ई जी, और इसको मैंने ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से क्लास आपने थ्री का बनाया, फोर का बनाया, यहाँ तक के आपने कहाँ तक का बना लिया, नाइन तक ठीक है। तो एक ये ट्रुथ टेबल आपके पास बन जाएगा, ये जो ट्रुथ टेबल है क्लास ये आउटपुट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 आप आउटपुट्स के कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। अब आ जाइए इनपुट, इनपुट जो होगा क्लास ये होंगे फोर डिजिट इनपुट, फोर डिजिट या फोर बिट इनपुट, यानी के जीरो के लिए आपने चार इनपुट लाइंस दी हैं जिसका कॉम्बिनेशन आपने दिया 0000, वन के लिए आपने इनपुट लाइंस दी हैं 0001, टू के लिए जब आप इनपुट स्विच हाई और लो करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि आपको इनपुट जो है वो चार स्विचेस चाहिए और अप टिल नाइन के लिए आपका बन जाएगा 1001, तो ये चार डिजिट्स या आपके इनपुट हो गए ठीक है। और आउटपुट के लिए आपके पास 7 जो है कॉलम्स बने हैं, ए आउटपुट का अपना काम है, बी का अपना, सी का अपना, डी का अपना ठीक है। अच्छा क्लास अब हम आ जाते हैं, ये ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है, नाइन तक के आपने सेगमेंट्स को ऑन कर दिया, एम आई क्लियर? बस एक दफा रिपीट करने है, हमें काम ये करना है कि हमें 7 सेगमेंट को डिस्प्ले करवाना है पर्टिकुलर नंबर ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सबसे पहले हमें ट्रुथ टेबल बनाना होता है, उसके बाद हम उस ट्रुथ टेबल के हिसाब से के मैप बनाते हैं, के मैप से हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन का हम सर्किट बनाते हैं ठीक है। तो अभी हम ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या लॉजिक चाहिए कि जो 7 पॉसिबल सेगमेंट्स हैं उन 7 सेगमेंट्स से 7 कॉलम बना दिए, जीरो को ऑन करने के लिए जो जो सेगमेंट्स हाई हुए हुए हैं उनको हमने हाई कर दिया, जो एक सेगमेंट लो हुआ है उसको हमने लो कर दिया। वन अगर मुझे सेगमेंट पे प्रिंट डिस्प्ले करवाना है तो वन के लिए बी और सी को हाई होना चाहिए, तो बी और सी को हाई कर दिया, बाकी सब लो होने चाहिए, अगर इनमें से कोई और हाई हो जाएगा तो वन नहीं बनेगा, कोई और बन जाएगा ठीक है।
तो यानी ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा तो ही वन डिस्प्ले होगा. टू का अगर मैं देखूं तो टू प्रिंट करने के लिए मेरे पास ए बी जी ई डी को हाई होना चाहिए. तो ए बी जी डी ई को हाई कर दिया और सी और एफ को ऑफ कर दिया. ठीक है, इसी तरीके से मुझे नाइन के लिए बनाना है तो नाइन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये. तो ये वाला सेगमेंट हाई करना है, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये और ये पांच सेगमेंट्स मुझे हाई करने हैं. तो मैंने इन सेगमेंट्स को हाई कर दिया, ए को, बी को, सी को, डी ऑफ है, ई ऑफ है, एफ हाई हो जाएगा और जी हाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये जीरो से लेकर नाइन तक का ये पूरा जो है ट्रुथ टेबल वो आपके पास तैयार हो गया. अभी हमने ये काम किए, ठीक है, हमने एक ट्रुथ टेबल तैयार कर दिया जीरो से लेकर नाइन तक का. अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम के लिए मुझे अब इसका के मैप बनाना है. तो क्लास के मैप एक के मैप बनेगा जो एक का से वो मैपिंग करके देगा, इक्वेशन बना के. एक बी के लिए बनेगा, एक सी के लिए बनेगा. तो टोटल सेवन सेगमेंट्स के लिए आई हैव टू ड्रॉ सेवन के मैप्स. अब के मैप बनाने का क्या तरीका है क्लास, जब मैं ए के लिए के मैप बनाऊंगी तो ए के लिए जो जो हाई हुआ हुआ होगा उसको मैं अपने के मैप के सेल में हाई कर दूंगी. इनपुट कॉम्बिनेशन हमें कितने पता चल गए, क्योंकि जीरो को बनाने के लिए कम से कम चार चाहिए, नाइन को ऑन करने के लिए कम से कम चार कॉम्बिनेशंस चाहिए. तो कॉम्बिनेशंस मेरे पास बन गए. मैं इसको ए नहीं बोल रही, मैं इसको डब्ल्यू एक्स वाई जेड बोलूंगी. A W X Y Z, ये हो गया मेरे पास जीरो जीरो, ये हो गया मेरे पास जीरो वन 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 जीरो, और यहाँ पे भी आपके पास हो गया जीरो 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 वन ग्रे मैपिंग. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे A का के मैप बनाना है. ठीक है, तो A के के मैप में फोर जीरोज ऑन है, फोर जीरोज को मैंने ऑन कर दिया. जीरो जीरो वन जीरो ऑन है, जीरो जीरो वन जीरो मैंने ऑन कर दिया. 1001 ऑन है, 1001 ऑन कर दिया. और ज़ायरा अभी बीच का तो ट्रुथ टेबल मुझे कंप्लीट करना, उसके रिस्पेक्टिव सेल्स को मैंने हाई कर दिया. जो जीरो थे सेल्स उनको मैंने जीरो छोड़ दिया. एम आई क्लियर? अब इसमें क्लास ये चीज नोट कर लें कि चूंकि हमारे पास ये हेक्साडेसिमल चल रहा है, तो जीरो से लेकर नाइन तक के जो इनपुट्स हैं वो हम कंसिडर करेंगे. अगर हमारे पास जीरो है तो जीरो लेंगे, अगर हमारे पास वन है तो वन लेंगे. टेन से लेकर फिफ्टीन तक के जो हैं उनको हम डोंट केयर लेंगे, क्योंकि ये नेवर अप्रोचिंग कंडीशंस हैं. कभी भी डिस्प्ले पे ए या बी हमें स्क्रीन पे नहीं डालना है. ठीक है, तो टेन इलेवन 10 10 0 10 इसको मैंने डोंट केयर डाल दिया, इसको मैंने डोंट केयर डाल दिया, इसको मैंने डोंट केयर डाल दिया. ये ट्रुथ टेबल, ये के मैप कंप्लीट होगा. ठीक है, जब ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके वंस के हिसाब से ये कंप्लीट होगा. और यहां से मैंने ग्रुप करके एक ही इक्वेशन निकाल ली. क्या क्या स्टेप हुए, सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाया. ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमने एक ही मुझे इक्वेशन चाहिए था कि ए का सर्किट बनाओ, यानी एक ऐसा सर्किट जो सिर्फ ए सेगमेंट को हाई करे. ए सेगमेंट को हाई करने के लिए ए के तमाम जो वंस थे उनको हमने के मैप पे डाला. जीरो से लेकर नाइन तक के वन हमने मैप कर दिए, जो जहां जहां पे वन था. और टेन से लेकर फिफ्टीन तक के कंडीशंस को डोंट केयर कर दिया. डोंट केयर करने की वजह से अब मेरे पास एक ग्रुप बन गया. ग्रुप के हिसाब से मेरे पास ए की कोई इक्वेशन आ जाएगी. जो मेरे पास ए की इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन का मुझे सर्किट बनाना है. यही काम क्लास फिर मैंने बी के लिए किया. बी के लिए जो जो लाइन मेरे पास वन थी, बी का के मैप बनाया. बी के मैप के हिसाब से बी की इक्वेशन ले आई. बी के लिए भी मैंने छह कॉम्बिनेशंस को डोंट केयर किया. यही काम सी के लिए, डी ई एफ के लिए, यानी कि मेरे पास सेवन के मैप्स के साथ मेरे पास सेवन लॉजिकल एक्सप्रेशंस आ जाएंगी. हर एक एक्सप्रेशन अपने पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए काम कर रही होगी. उन सेवन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे मेरे पास सेवन लॉजिक सर्किट्स बन जाएंगे. तो यानी मेरा जो टास्क है, बेसिकली जो मेरा असाइनमेंट है, वो ये है कि मुझे पेपर पे
एक टेबल बनाना है जो कि सेवन सेगमेंट को रिफ्लेक्ट करे, उस सेवन सेगमेंट के हिसाब से सेवन के मैप्स बनाने हैं और हर ए से लेकर जी सेगमेंट तक की अपनी इक्वेशन होगी, अपना सर्किट होगा। मैं बुक पे वापस आ रही हूँ ताकि स्टेप्स आपको जो मैंने बताए हैं वो आपको नजर आए कि आपको करना क्या किया और कैसे। हमने क्या किया कि ए से लेकर एफ तक के, सॉरी ए से लेकर जी तक के सेगमेंट से कॉम्बिनेशन बनाए, उसके बाद ए कॉम्बिनेशन के लिए, बी कॉम्बिनेशन के लिए, सी कॉम्बिनेशन के लिए जो जो वैल्यूज हाई हुई हुई थी उसका हमने सेगमेंट ए के लिए वो इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तीन वंस हुए हुए थे फॉर एग्जांपल, तो तीन वंस के हिसाब से इक्वेशन आ गई। बी के लिए जितने वंस हुए हुए थे उसके हिसाब से आपने इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन को या मैंने डायरेक्ट के मैप बना दिया, आपने डायरेक्ट के मैप बनाया, के मैप में जो भी कंडीशंस थी उसको हाई किया, जो लो थी उसको लो किया, जो डोंट केयर थी उसको डोंट केयर किया। डोंट केयर के बाद आपके पास ए की एक इक्वेशन आ गई, बी की, सी की, डेवलप द मिनिमम एक्सप्रेशन, डी ई एफ जी, सबकी आपके पास सेवन सेगमेंट्स के सेवन इक्वेशंस आ गई। उसके बाद आपने जैसे बी का मेरे पास आया एच वन नॉट एच टू नॉट, तो आपने एच वन एच नॉट का सर्किट बनाया, ये और हो रहा है H1 H0 के साथ, H1 H0 को आपने एंड किया, इसको आपने और कर दिया, उसके बाद इसको आपने H2 और H1 के साथ नॉट कर दिया, ये एक सर्किट बन गया जो कि B सेगमेंट को हाई करेगा। ये जब भी कॉम्बिनेशन जाएगा B सेगमेंट आपके पास हाई हो जाएगा, B सेगमेंट हर उसके लिए हाई हो रहा होगा जो जो वन क्रिएट कर चुके होंगे। एक कॉन्सेप्ट समझ आया है, यानी कि आपको हर एक सेगमेंट को ऑपरेट करना है, हर एक सेगमेंट के आपको एक सर्किट बनाना है, जो भी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से उसका सेगमेंट हाई या लो हो रहा। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको ट्रुथ टेबल चाहिए, ट्रुथ टेबल के लिए आपको जो है के मैप बनाना पड़ा, ट्रुथ टेबल के बाद आपको के मैप बनाए, के मैप से आपके पास जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसका आपने बना लिया। अब ये जो सर्किट है हर वो कॉम्बिनेशन जिसके लिए बी सेगमेंट को हाई होना होगा, ये कॉम्बिनेशन का काम यह है कि वो हर उस सेगमेंट के लिए बी को हाई कर रहा होगा, नतीजा दिन स्क्रीन पे बी डिस्प्ले हो रहा होगा अपने अपने पर्टिकुलर नंबर के लिए, बी सेगमेंट हाई हो रहा होगा। अब क्लास लिसन, थोड़ी सी दो बातें और, एक तो बात ये कि ये जो बुक है इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, पेज नंबर 245 पे आपको, इन्होंने तो ए बी सी डी ई एफ के लिए किया हुआ है, इन्होंने जो लॉजिक बनाई है ए बी सी डी ई एफ के लिए बनाई है, आपको ये काम जीरो से लेकर नाइन तक के लिए करना है। ठीक है, तो आपने इनका तरीका देखा और उसके बाद अपना जीरो से नाइन तक के लिए काम आपको सारा यही करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, फिर उसके बाद फिगर 452 में के मैप है, आपको के मैप बनाना है, और उसके बाद आपको फिगर 453 में लॉजिक डायग्राम बनानी है। तो इन्होंने बी और सी के लिए ये काम किया है, डी ई एफ जी के लिए इन्होंने कह दिया खुद करें, तो आपको ये सातों के लिए ए बी सी डी ई एफ के लिए बनाना है। अब आ जाइए क्लास दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने जो काम किया है क्लास और रेड क्लास, हमारे पास जो है थोड़ा सा 10 मिनट रह गए हैं, फिर जूम आउट हो जाएगा, तो मैं इसको कंप्लीट करूं फटाफट, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्लास, दूसरी बात जो मैं आप लोगों को समझा रही थी वो ये कि इन्होंने जो हमारे पास दो लॉजिक होती है, एक्टिव लो एक्टिव हाई, जो हमने स्टार्ट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक्टिव हाई का मतलब ये है, इनेबल हाई का मतलब ये है कि वन है तो वन जा रहा है, जीरो है तो जीरो जा रहा है, इनेबल लो का मतलब ये कि जीरो के लिए वन जा रहा है और वन के लिए जीरो जा रहा है, अपोजिट। ये जो इन्होंने चूंकि डिकोडर के हिसाब से काम किया हुआ है, तो डिकोडर जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल लो है, इनेबल लो का मतलब ये है कि ये जीरो जीरो के लिए ऑन होगा और वन वन के लिए ऑफ हो जाएगा। आपको काम जो है इनेबल हाई के लिए करना है, आपको इसका काम नहीं करना, आपको सर्किट वाला काम करना है। तो जब आप इससे हेल्प लेंगे तो इन्होंने जीरो 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 यानी ए सेगमेंट जब जब जीरो हुआ हुआ है उसके लिए लॉजिक बनाई है, यानी वन जीरो वन जीरो, एच थ्री एच एच टू बार, एच वन एच नॉट बार, ए के लिए एच थ्री एच टू बार, एच वन एच नॉट बार। आवाज आ रही है मेरी, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मिस। हाँ गुड, यस मिस, ठीक है गुड।
इसी तरह फिर सेकंड कॉम्बिनेशन जीरो का उन्होंने क्या उठाया, एच थ्री एच टू वन को हाई लिया और एच वन बार एच नॉट बार. तो जीरो के लिए उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, एच थ्री एच टू एच वन बार एच नॉट बार. थर्ड जीरो कहाँ पे अपियर हो रहा है, के लिए, ई के लिए. ई में क्या आ जाएगा, एच थ्री एच टू एच वन एच नॉट बार, एच थ्री एच टू एच वन एच नॉट बार. तो ये ए की जो एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई. फिर इन्होंने इसको के मैप पे डाल दिया, तो के मैप में जीरो जीरो जहाँ पे थे उसको हाई और वन को कर दिया. इन्होंने चूंकि लास्ट के सिक्स ए बी सी डी ई एफ के लिए बनाए, तो इन्होंने जीरो से लेकर नाइन तक के डिजिट्स को डोंट केयर कर दिया. तो इन्होंने जीरो से लेकर नाइन तक के डिजिट्स को कॉम्बिनेशन को, यानी जीरो से लेकर वन जीरो जीरो वन, ठीक है, इस तक के कॉम्बिनेशन को डोंट केयर कर दिया और सिर्फ सिक्स कॉम्बिनेशन पे अपनी जीरो और वन की लॉजिक लगाई है. हम इसका अपोजिट करें, हम डिजिट्स के लिए बना रहे हैं तो हम अल्फाबेट्स को डोंट केयर कर देंगे. तो बस आप कंफ्यूज, कहने का मतलब ये कि जब आप बुक से पढ़ेंगे तो पिक ने इनेबल लो पे काम किया हुआ है, तो इनेबल लो के हिसाब से इसने जो इक्वेशंस बनाई है वो जीरो 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 के हिसाब से बनाई है. बी में भी दो जगह जीरो हुआ हुआ है तो बी की दो टर्म्स बनी है इसके पास. आप हाई के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इनेबल हाई लेके चल रहे हैं. तो असाइनमेंट जो अब आपको डीएलडी का बनाना है, ओवरऑल असाइनमेंट आपको ये बनाना है कि आपको सेवन सेगमेंट, ये सेवन सेगमेंट डिस्प्ले फॉर जीरो टू नाइन डिजिट्स, ठीक है, जीरो से लेकर नाइन तक के डिजिट के लिए सेवन सेगमेंट डिस्प्ले का पेपर वर्क करना है. पेपर वर्क का मतलब है पेपर पे आपने ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल के हिसाब से सेवन सेगमेंट्स के मैप बनाए, सेवन सेगमेंट्स के हिसाब से सेवन इक्वेशंस बनाई और हर इक्वेशंस के हिसाब से आपने पर्टिकुलर सर्किट बना दिया. आपने पेपर वर्क कर दिया जीरो से लेकर नाइन तक का सर्किट, उसका एक्सप्रेशन, उसका के मैप और एक अदर ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल में यानी ये आपको फिगर नंबर 451 बनानी है आपको अपने हिसाब से, जिसमें इनपुट भी नजर आए, इसका आउटपुट भी नजर आए. उसके बाद फिगर 452 बनाना है के मैप, फिर फिगर 453 बनाने है आपको लॉजिक सर्किट. ये आपका बस असाइनमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट में हम इस डीएलडी के असाइनमेंट को एक्सटेंड करेंगे. ये काम आपको मल्टी सिम पे परफॉर्म करना होगा, ठीक है. तो जब मल्टी सिम पे परफॉर्म करेंगे तो फिर उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपको दी जाएंगी. तो फिलहाल आपको सेवन सेगमेंट डिस्प्ले फॉर डिजिट्स बनाना है, जीरो से लेकर नाइन तक के डिजिट्स के लिए आपको सेवन सेगमेंट का पेपर वर्क करना है. पेपर वर्क में आपके पास ट्रुथ टेबल होना चाहिए, पेपर वर्क में आपके पास जो है वो लॉजिक डायग्राम और लॉजिक सर्किट वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए. इसकी सबमिशन जो होगी वो मैं अनाउंस करूंगी ईद के बाद होगी सबमिशन. तो बहरहाल फिलहाल आप असाइनमेंट वन पे काम शुरू कीजिए और यहाँ पे जो है क्लास लेट मी stop recording here, wait. रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई भाई, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी क्या, की थी ना. स्टॉप रिकॉर्डिंग.